हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर मिशन मिशन हेल्दी एंड फिट वर्ल्ड। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं, वो है प्री प्रिपरेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक टाइप से तैयारी करना, यानी कि बदलाव लाना हमारे बॉडी में, मोटापे से पतला होना या फिट होना या मस्कुलर होना, जो भी आप बदलाव लाना चाहते हैं, सभी की तैयारियाँ सेम होती हैं। जैसे कि हम बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं, सब चेकलिस्ट बनाते हैं, हम सब सामान रखा है कि नहीं सब चेक करते हैं, फिर हम ट्रैवलिंग के लिए निकल जाते हैं। डायरेक्ट नहीं निकल जाते, पूरा हम सामान सब साथ में रहेगा तो हमें ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसी ये हमारी एक चेकलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या ध्यान में रखना है जब हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने जाते हैं, तो ये टिप्स आप जरूर याद रखिए। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा उसी फ्लो से जो हमारा हेल्थ मैप था, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा ऊपर वाली लिंक से आप देख सकते हैं जाके। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसमें देखा था डाइट। तो डाइट में हम लोगों को क्या करना चाहिए जो हम ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे बहुत हेल्पफुल हो और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टिव हो, हम जो भी चीज कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। डाइट में हम बात करेंगे डाइजेशन की, हमारी जो पाचन क्रिया है, जो हमारा खाना पचता है, अगर वो इफेक्टिवली पचेगा या इफेक्टिवली काम करेगा, हमारे अंदर का डाइजेशन अच्छे से काम करेगा, तो हम जो भी खाएंगे, जो भी आप डाइट फॉलो करते हैं, वो 100% बॉडी को मिलेगा, वरना मैक्सिमम बॉडी में वेस्ट हो जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी में नहीं लगता है। तो हमें डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, अगर मैं डाइजेशन में बात करूँ तो सबसे पहला है डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी बॉडी को आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा जो भी आपके अंदर टॉक्सिन्स वगैरह हैं। तो सबसे बेस्ट टिप मैं आपको दूंगा वो है सबसे सिंपल, मॉर्निंग में उठ के ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए और उसमें थोड़ा नींबू ले लीजिए, ठीक है, एक हाफ पीस ऑफ लेमन और उसमें थोड़ा सा, एक हाफ से भी कम टीस्पून ऑफ हनी। ये सबसे बढ़िया आपका एक मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेगा और आपको बहुत जल्दी, जितना ज़्यादा अच्छा डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिक रेट होगा आपका, उतना तेज़ी से फैट बर्न होता है और मसल्स को प्रमोट भी करता है, मसल्स की ग्रोथ अलग होती है। तो ये मेटाबॉलिज्म रेट आपने सुना होगा, ये हाई होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत तेज़ी से फैट बर्न होता है लोगों का। तो आप डिटॉक्स करिए अपने, या हर्बल जूसेज आते हैं, मैं जो जूस लेता हूँ मॉर्निंग में, मैं आपको वो रेसिपी शेयर करूँगा कि वो जूस मैं कैसे पीता हूँ, कैसे कंज्यूम करता हूँ। लेकिन सबसे सिंपल, जिसको, जिन्हें ये कॉम्प्लिकेटेड जूस वगैरह नहीं बनाने हैं, तो सिंपल वे है मॉर्निंग में 1 फुल ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर एंड हाफ लेमन और उसमें हाफ से भी कम शहद या हनी। देन हमें डाइट में अगर हम दूसरा टिप देखें तो ईट लेस अमाउंट ऑफ फूड बट इन रेगुलर पैटर्न। लाइक हमें थोड़ा खाना है, ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े देर में खाना है, 2.5 से 3 घंटे में हमें के ज़्यादा गैप नहीं रखना है, 2.5 से 3 घंटे के बीच में हमें खाना खाना है, भले थोड़ा खाना है अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करने का सेकेंड तरीका। थर्ड इज़ टू इंट्रोड्यूस फाइबर इन योर डाइट। सैलड्स हो गई हैं और फाइबर रिच फूड्स हो गए हैं, या अगर जो फाइबर रिच फूड नहीं खा सकते या सैलड नहीं कंज्यूम कर पा रहे, तो उनके लिए है फाइबर पाउडर आता है, या इसबगोल का पाउडर आता है मेडिकल पे, वो आप हाफ स्पून खाने से पहले कंज्यूम कर सकते हैं। ये 3 टिप्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से पहले स्टार्ट करनी है। एंड ऑल्सो टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, आप एक कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए मॉर्निंग में नाश्ते के बाद, और एक मल्टीविटामिन टैबलेट लीजिए अच्छी कोई, जिसमें सारे डेली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएं आपके बॉडी के। तो ये आपका डाइजेशन बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। अब दूसरा जो हमारा हेल्थ मैप पे टॉपिक था वो था एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में अगर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी करने बोलूँ, तो सबसे ज़्यादा टिप नंबर 1 है, वो है वार्म अप। शॉर्ट भी होता है, लॉन्ग होता है, 2 टाइप के होते हैं। मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो, फोर्थकमिंग वीडियो रहेगा मेरा वार्म अप के ऊपर। शॉर्ट में बता देता हूँ, जब आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आप मोटापे पे रहते हैं, 100 किलो 90 किलो आपका वेट होता है, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं और आप दूसरे दिन निकल पड़ते हैं सीधा भागने, ठीक है। अब क्या होता है, आप आते हैं और इंजरी का शिकार बन जाते हैं। डॉक्टर बोलता है आपको 2 से 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ता, डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेड ऑफ इंजरी, कितना ज़्यादा गंभीर आपकी चोट है, उस पर आप बेड रेस्ट पे चले जाते हैं और आपकी हेल्थ साइड में हो जाती है। जब भी आप एक लॉन्ग पीरियड के बाद, या बहुत दिनों के बाद, या बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत एक्सरसाइज करते ही नहीं है, तो जब भी आप ऐसे कैटेगरी में अगर आते हैं, या बहुत कम से कम 2-3 महीने आपने एक्सरसाइज नहीं किया और आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं, एक बदलाव के लिए जा रहे हैं, तो डायरेक्ट दौड़ने भागने मत निकल जाइए, एक
वार्म अप फेज फॉलो करिए। एटलीस्ट 2 हफ्ते आपको ये वार्म अप फेज फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको एकदम लाइट से स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी, आपके जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स, ये सब आपकी ट्रेन होगी, मजबूत बनेगी आपके फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। तो आपको एटलीस्ट 2 वीक्स आपको एकदम लाइट से स्टार्ट करना है, जैसे लाइक सिंपल वॉकिंग, फिर हल्के हल्के वॉकिंग की स्पीड बढ़ाइए, स्ट्रेचिंग इंट्रोड्यूस करिए, छोटा मोटा कार्डियो करिए, बहुत लाइट से स्टार्ट करिए, ताकि आपकी बॉडी को सडन इम्पैक्ट ना जाए और आपकी बॉडी इंज्योर ना हो जाए। तो ये आपको तैयारी करना है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, जिससे आपका पूरा बॉडी में अच्छा ब्लड फ्लो होगा और आपकी बॉडी तैयार होगी आपके फिजिकल एक्टिविटी के स्ट्रेस को लेने के लिए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट निकल जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करना चालू कर देते हैं और उसके बाद उनके जॉइंट्स वगैरह में पेन होने लगता है और वो समझते हैं कि मुझे एक्सरसाइज से पेन होता है या दर्द होता है या मैं थक जाता हूँ और छोड़ देते हैं। तो ये ज़रूर आप वार्म अप से स्टार्ट करिए, लाइट से स्टार्ट करिए, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी आसान लगने लगेगी। थर्ड टॉपिक इन आवर हेल्थ मैप वॉज स्लीप, सोना। एटलीस्ट 7 से 8 घंटा सोना चालू कर दीजिए, जिस दौरान आप ये हल्का फुल्का वार्म अप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वॉकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप डिटॉक्स कर रहे हैं अपने बॉडी को, डाइजेशन इम्प्रूव कर रहे हैं, उस दौरान आप सोना 7 से 8 घंटा ज़रूरी है। इससे आपके पूरी बॉडी अंदर से रिपेयर होगी, आपके हेल्दी ऑर्गन्स आपको सपोर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपका रिजल्ट 100% आएगा। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, मैं सब फॉलो करता हूँ, करती हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आप प्रिपेयर नहीं करते हैं आपके बॉडी को, एटलीस्ट 2 वीक्स आई रिकमेंड। और लास्ट एक फैक्टर है, नहीं किया तो चलेगा, लेकिन अगर आप एक हार्ड कोर प्रोफेशन में हैं और बहुत सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं विद इन मंथ्स वगैरह, जिनके पास टारगेट होता है कि मुझे इतने ही मंथ में करना है, इतने ही इसमें करना है, तो गो फॉर अ मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या करना है, आपका विटामिन डी लेवल चेक करना है। क्यों विटामिन डी, सबसे ज़्यादा लोगों को खासकर इंडियन कल्चर में विटामिन डी की बहुत शॉर्टेज होती है सभी में, कैसे करना है विटामिन डी दूर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। विटामिन डी टेस्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है थायराइड। थायराइड एक आपका चेक करवा लीजिए, खासकर वुमेंस में होता है। थायराइड से रिजल्ट्स थोड़े स्लो आते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ जिसको थायराइड है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, वेट लॉस नहीं कर सकता, थायराइड होने के बाद भी आप कर सकते हैं इन अ प्रॉपर गाइडेंस, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे। तो थायराइड चेक करवा लीजिए, अगर आपको थायराइड नहीं है तो आपके लिए यही सब फॉलो करके आपको बहुत क्विकली और अच्छे तेजी से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। थायराइड होके थोड़े स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे रिजल्ट्स। तीसरा टेस्ट मैं बोलूँगा, आप अपना हार्ट हेल्थ ECG और ब्लड प्रेशर चेक करवा लीजिए। बहुत सारे लोगों को अंदर से हार्ट का प्रॉब्लम होता है और डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग फुल फ्लेज एक्सरसाइजेस, तेज भागने लगते हैं स्टार्टिंग से। इवन आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम्स है, आप जैसे मैंने बताया ये आप वार्म अप करेंगे, वॉकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, अपने आप आपका हार्ट मसल्स मजबूत होंगे, कार्डियो होगा, आपका हार्ट अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन एकदम से स्टार्ट मत करिए, कम से कम 1 से 2 हफ्ता आप बॉडी को तैयार कीजिए, उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। आई विल गिव यू गारंटी कि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इंज्योर नहीं होंगे। तो होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।